लो जी, हमारी तो मंजिल आ गई टर्मिनल वन। ये जो है दुबई एयरपोर्ट है इंटरनेशनल। इस वक्त बोर्डिंग हो चुकी है, इमिग्रेशन से एग्ज़िट हो चुका हूँ, ठीक है भाई। और अभी लाउंज में बैठे हुए हैं, 2 घंटे बाकी हैं लाउंज में अभी, तो देख लो। एक दिन इधर तुम लोग भी आए थे, याद है? ये मुस्तफ़ा वाला टर्मिनल है, एमिरेट्स मुस्तफ़ा यहाँ पे लेके आया था तुम्हें, अगर याद हो तो। अस्सलाम वालेकुम एवर्स, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं अपना जो है एक नया सूट जो कि मैंने सिलवाया था और बहुत ही प्यारा लग रहा था, खाड़ी का ये सूट है, और मैं आप लोगों को दिखा रही थी। इस पूरे सूट पर ये प्रिंट हुआ हुआ है, और अगर दूर से देखो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये भी सारी कढ़ाई है, स्लीव्स वहाँ कढ़ाई हुई हुई है। और साथ में इसके मैचिंग के मैंने ब्लैक कलर के वेलवेट वाले शूज़ लिए थे, और साथ ही साथ मैं अपनी कमरे की भी लुक दिखा रही हूँ। इतनी सारी तैयारियाँ करके और कमरा भी साफ़ सुथरा करके हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आगे जाके आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा। बच्चों की, आयजा की, सारे बच्चों की ये तैयारियां थी, कमरा भी सारा रेडी हो चुका था, और हम लोग जो है जहां जाना था वहां जाने के लिए निकल चुके थे। और इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, 1 साल के बाद हमें ये खुशी नसीब हुई है। और बस कहां जा रहे हैं हम, जहां जा रहे हैं वहां बस पहुँच ही चुके हैं। हम जो जा रहे हैं बस ये आ गए हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिल्कुल जनाब, एयरपोर्ट आए हैं हम इस्लामाबाद में। और वहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे मियाँ जी जो हैं वो दुबई से आ रहे हैं, तो उनको रिसीव करने मैं और बच्चे जो हैं एयरपोर्ट गए थे। और यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर हम एंटर हो चुके थे, और हम थोड़ी देर जो है हमने कहा चले अपना ज़रा व्लॉग श्लॉग तैयार कर लें जब तक के वो आते हैं। बस यहाँ पर हम थोड़ा आगे पीछे घूम फिर रहे थे, बच्चों का मैं ख्याल भी रख रही थी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। पहली दफ़ा इस तरह, क्योंकि ये एयरपोर्ट जो है मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, और जो पुराना एयरपोर्ट था वो तो बहुत ही करीब था। फर्स्ट टाइम मैं आई थी बच्चों को इस तरह अकेले यहाँ ले के, और यहाँ पर जो है मियाँ जी आ चुके थे और बच्चों से मिल रहे थे। और ये एक बहुत ही खूबसूरत लम्हात होते हैं बच्चों के लिए भी और बाबा के लिए भी और मियाँ बीवी के लिए भी, और इमोशनल जो एक होते हैं ना वो वाले सीन होते हैं कि बस मैं बहुत मुश्किलों से अपने आप को कंट्रोल करके बैठी हुई थी कि बस रोना नहीं है, रोना नहीं है, क्योंकि अब बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। और सबसे ज़्यादा ज़ैनब बहुत ज़्यादा खुश थी कि बाबा रेली आ गए हैं, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। जाओ फिर तुम लोग जाओ, मैं तो नहीं जा रही, यहाँ पर अभी हमारी वापसी हो रही थी। मियाँ जी को रिसीव करके अब हम घर वापस जा रहे थे। बहुत ज़्यादा क्लिप्स वगैरह मैं नहीं बना सकी क्योंकि हम अपने मिलने मिलाने में ही बिज़ी थे, तो घर आते आते हमें बहुत टाइम हो गया था। घर आते ही थोड़ी देर बाद मैंने खाना लगाया, खाने में मटन पुलाव, चिकन कौरमा, रायता सलाद, यह सब कुछ था। और इतना मैं काम में बिज़ी हो गई थी, मुझे बिल्कुल जहन में नहीं रहा, मैंने कोई क्लिप वगैरह नहीं बना सकी। और मीठे में आइसक्रीम लेकर आई थी, उसको इस तरह डेकोरेट किया था, शुक्र है कि ये क्लिप बनाना मुझे याद रहा। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ, आ जाओ जिस जिसने यमी यमी ये आइसक्रीम खानी है। तो मियाँ जी हैं पूरा 1 महीना हमारे साथ, तो इसी के साथ आप लोगों को मैं मज़े मज़े के व्लॉग्स दिखाती रहूँगी, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ शेयर करती रहूँगी। ये था आज का मेरा व्लॉग, अपना बहुत ख्याल रखेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।